गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दिस इज चैप्टर 8, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेदर, क्लाइमेट, सीजन्स, समर, मानसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। इन द फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट वेदर इट इज़ अ हॉट, कोल्ड और रेनी डे। अब इस स्टेप में जो तीन पिक्चर्स दिए गए हैं तो इनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इसमें से लिखना है कि कौन सा वेदर कोल्ड है, हॉट है और रेनी है। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता ही चल रहा है कि कौन सा विंटर है और हॉट है और रेनी कौन कौन से हैं। यू मस्ट हैव हर्ड योर एल्डर डिस्कसिंग अ डे बीइंग वार्म, प्लीजेंट, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, विंडी और रेनी। डू यू नो वॉट दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट? दे टेल अस अबाउट द वेदर। हम अक्सर आपस में बातचीत करते हुए ये कभी कभी बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, ह्यूमिड है, विंडी है या रेनी है। तो किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये हमको वेदर के बारे में बताते हैं। वेदर इज स्टेट ऑफ एटमोसफियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई माइट बी क्लियर एंड सनी इन द मॉर्निंग। अब वेदर क्या होता है, एक किसी भी पर्टिकुलर जगह का वो शॉर्ट पीरियड के समय में, शॉर्ट पीरियड के टाइम में जो एटमोसफियर होता है वहाँ का, वो वेदर डिफाइन करता है। जैसे कि अब किसी भी एक दिन हो सकता है कि सुबह के टाइम में स्काई क्लियर हो, आसमान एकदम क्लियर हो, सनी है, मॉर्निंग सनी है, बट बाय इवनिंग में क्या हो जाए, वहाँ पे उस समय बहुत तेज़ बारिश हो जाए, तो वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। सुबह के टाइम में वेदर जो था एकदम क्लियर था, सनी था, और शाम के टाइम रेनी हो गया। ठीक है, तो वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो चेंज होता रहता है, एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ अ डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई। क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी जगह का वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है लंबे समय तक के लिए। अगर जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट एंड ड्राई, क्योंकि लंबे समय तक लिए वहाँ पर रहता है। अगर बारिश होती भी है थोड़े दिन के लिए तो वो क्या हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट क्या होता है, वैसे तो पूरे हमेशा जो डेजर्ट में होता है हॉट एंड ड्राई ही बना रहता है, तो क्लाइमेट कैसा हो गया वहाँ का डेजर्ट का, हॉट एंड ड्राई। दिस इज़ बिकॉज द डेजर्ट रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक वहाँ पर या तो पानी बहुत कम बरसता है या तो ना ही बरसता है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेली लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग देयर। इट इफेक्ट्स देयर फूड हैबिट्स, क्लोदिंग एंड लाइफ स्टाइल। और क्लाइमेट किसी भी जगह के मेजर रोल इसका होता है, मेजर रोल डेली लाइफ के पीपल के लिए, क्योंकि जो क्लाइमेट का असर क्या क्या चीज़ों पे पड़ता है, फूड हैबिट्स पे, लोगों की फूड हैबिट्स पे पड़ती है, क्लोदिंग पे पड़ती है और लाइफ स्टाइल पर, रहन सहन पर भी पड़ता है। किसी भी जगह की कोई भी क्लाइमेट होती है तो वो क्लाइमेट उनके लाइफ स्टाइल पर असर डालता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ दैट वेदर कैन चेंज इन जस्ट ए फ्यू आवर्स, वेयर एज क्लाइमेट टेक्स ईयर टू चेंज। मेन डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में, वेदर क्या होता है कि कुछ ही घंटों में चेंज हो जाता है, और जबकि क्लाइमेट को चेंज होने में कई साल लग जाते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया के सीजन्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेदर अ ईयर्स इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स। अब इन जो वेदर्स हैं, चेंजेस होते रहते हैं वेदर्स में, एक साल में जो सीजन्स, जो भी वेदर चेंज होते हैं उनको सीजन्स में हमने डिवाइड किया गया है। सीजन्स आर कॉज्ड बाय अर्थ बीइंग क्लोजर और फार्दर अवे फ्रॉम द सन। सीजन कैसे चेंज होते हैं, जब अर्थ सन से दूर या पास में आती जाती रहती है, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। इन इंडिया देयर आर थ्री मेन सीजन्स, समर, मानसून एंड विंटर। हाउएवर, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू मोर सीजन्स, स्प्रिंग एंड ऑटम।
let us learn more about each type of seasons. इस टाइप ऑफ सीजन कौन कौन से, मतलब जैसे इंडिया में दो मोर सीज़न है, दो और ज़्यादा सीज़न होते हैं, स्प्रिंग ऑटम. चलिए हम प्रत्येक सीज़न के बारे में चलिए देखते हैं. समर, द समर सीज़न लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून. मार्च से जून तक का लास्ट, मार्च के लास्ट से जून तक का सीज़न जो है, मंथ ऑफ मार्च इज़ नॉट वेरी हॉट, क्योंकि ये मार्च बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है. बट एज डे पास, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है. मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये साल के सबसे गर्म महीने होते हैं. ड्यूरिंग दिस सीज़न द डे आर लॉन्गर दैन द नाइट्स, और इस सीज़न में रातों से ज़्यादा लंबे दिन होते हैं. द वेदर इज़ हॉट, वेदर हॉट रहता है, ड्राई रहता है थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स को छोड़ करके सभी जगह वेदर हॉट एंड ड्राई बना रहता है. ड्यूरिंग द समर सीजन हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इस समर सीज़न में जो विंड्स, जो भी विंड्स होती हैं, जो सब जगह प्लेन्स एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया के वो बहती हैं, जो हवाएँ बहती हैं वो लू के नाम से होती हैं, क्योंकि इतनी गर्म हवाएँ होती हैं वो. द कोस्टल एरियाज आर लेस हॉट एज द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप्स देम कूल. और कोस्टल एरिया, जो इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं वो कम गर्म होते हैं, मतलब बजाय जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बजाय कोस्टल एरिया कम गर्म होते हैं, क्योंकि जो आसपास का जो सी है, समुद्र है, उनको ठंडा बनाए रखता है, और वहाँ से जो चलने वाली हवाएँ हैं उस एरिया को ठंडा बनाए रखती हैं, जो जिसको हम कूल ब्रीज बोलते हैं. कूल ब्रीज, सी ब्रीज चलती हैं वो. हाउएवर द ह्यूमिडिटी इज़ हाई इन दीज एरिया, जबकि ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि समर सीज़न चल रहा होता है तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, लेकिन फिर भी प्लेन एरिया के अपेक्षा वहाँ पे कम गर्म होता है. पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ कूल, और इस समय पीपल जो लोग होते हैं वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. दे इंजॉय फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन ग्रेप्स एंड लीचीज टू बीट द हीट, और उस समय वो वाटरमेलन ग्रेप्स और लीची का खाना पसंद करते हैं फ्रूट्स, और ये हीट के सीजन में उनको ठंडा बनाए रखती है. मानसून, द मानसून सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. मानसून सीजन जो है इंडिया में जुलाई, लास्ट जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में रहता है. द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, और ये इसमें जो विंड्स जो हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होकर के लैंड की ओर बहती हैं. दे आर नोन एज मानसून विंड्स, इनको मानसून विंड्स बोलते हैं. दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर विद दैम, और क्योंकि ये समुद्र की तरफ से विंड्स आती हैं तो इनके हवाओं में मॉइस्चर रहता है. दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और जिसके कारण अधिकतर पार्ट्स में, जो इंडिया के अधिकतर पार्ट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी अनइवन, और जो रेनफॉल का, जो कंट्री में, हमारे कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो अनइवन है, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है. मौसरम इन मेघालय, मौसरम मेघालय में जो है बहुत सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, 1100 सेंटीमीटर. नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे मौसरम में, मेघालय में जो है कि वहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है. ऑन द अदर हैंड सम एरियाज इन राजस्थान, और दूसरी तरफ जो कुछ एरिया जो है जैसे कि राजस्थान, रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इतनी कम होती है कि 10 सेंटीमीटर से भी कम. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 सेंटीमीटर, और एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है. द मानसून सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मानसून सीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि यहाँ का जो खेती है, एग्रीकल्चर है वो इंडिया की, वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है. पीपल यूज़ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला इन द रेनी सीज़न,
पीपल यहाँ के लोग रेनी सीजन में रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। दे इंजॉय फूड आइटम्स, और इस समय जो रेनी सीजन में जो फूड आइटम्स होते हैं वो टी, पकौड़ाज, प्लम्स एंड चेरीज इस सीज़न में खाना पसंद करते हैं। द विंटर सीजन इन इंडिया। विंटर क्या है? इंडिया में जो नवंबर के लास्ट से फरवरी तक में रहता है। इन नॉर्दर्न इंडिया में दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर विद टेम्परेचर फॉलिंग बिलो 0°C। एट सम प्लेसेस, जो कुछ प्लेसेस में 0°C से भी नीचे टेम्परेचर चल जाता है। और विंटर में क्या हो जाता है, डेज आर वार्म एंड शॉर्ट। डेज क्या होते हैं, थोड़े से गर्म होते हैं, छोटे होते हैं। नाइट्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग। नाइट्स जो होती हैं ठंडी होती हैं और लंबी होती हैं डे की अपेक्षा। इन द कोस्टल रीजन में द विंटर्स आर प्लीजेंट, विंटर्स खुशनुमा रहते हैं। वेयर एज इट इज़ वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न माउंटेंस, और जबकि नॉर्दर्न माउंटेंस में बहुत ही ठंड पड़ती है। पीपल वेयर वूलन क्लोथ टू कीप themselves वार्म एंड enjoy फूड आइटम्स लाइक रोस्टेड groundnut, गाजर का हलवा, फ्रूट्स एंड leafy vegetables। पीपल जो होते हैं वो इस समय, इस सीज़न में, विंटर सीजन में वार्म क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। फूड आइटम गर्म और फूड आइटम खाना पसंद करते हैं रोस्टेड, जैसे कि रोस्टेड groundnuts हैं, गाजर का हलवा, फ्रूट्स और leafy vegetables खाना पसंद करते हैं। द ऑटम सीजन बिगिन वेन द रेनी सीजन इज ओवर। ऑटम सीजन कब शुरू होता है, जब रेनी सीजन ओवर हो जाता है, बिफोर ऑन सेट ऑफ विंटर्स, और विंटर के शुरुआत से पहले। इन दिस सीजन द स्काई इज मोस्टली क्लियर। इस सीजन में स्काई तो पूरा से अच्छे से क्लियर रहता है विद लिटिल और नो रेनफॉल। या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है या तो थोड़ी बहुत होती है। इसमें मौसम बिल्कुल स्काई क्लियर रहता है। इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय जो मौसम होता है बहुत ही कूल और प्लीजेंट होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स, और इस मौसम में ऑटम में अधिकतर ट्रीज के जो लीव्स हैं शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग सीजन बिगिंस आफ्टर विंटर्स आर ओवर द बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर्स। स्प्रिंग सीजन क्या होता है, विंटर के ओवर होने पर और समर के शुरुआत होने से पहले का सीजन रहता है। इट इज़ नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इस सीजन में ना ज़्यादा बहुत गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन। इसको हम इसीलिए क्वीन सीजन बोलते हैं, सीजन की रानी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड। इस समय बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। अर्थ लुक लश ग्रीन विद न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। और इस समय जो अर्थ है पूरी ग्रीनरी से भरा होता है, न्यू लीव्स से भरी होती है, फ्लावर्स खिले होते हैं सब तरफ, इसलिए इसको क्वीन ऑफ सीजन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ चैप्टर 8। थैंक यू स्टूडेंट्स।